ड्राई एरिया में पानी जांच करने ढोंगी लोग नहीं जाते। सही कहा ना मैंने? ड्राई एरिया में पानी जांच करने के लिए ढोंगी लोग नहीं जाते हैं। सही बात कहा ना किसान भाई मैंने? आपका खेत में पानी नहीं है, एकदम ड्राई एरिया है, तो बड़े बड़े विद्वान को बुला लो, वो नहीं आएंगे, हाथ खींच लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसी हुआ है। मैं अपनी एक्सपीरियंस इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे बुलावे पर बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं आते थे। मेरे गांव में आते थे लेकिन दूसरे किसानों के खेत में पानी जांच करके चले जाते थे, लेकिन हमें कभी साथ नहीं दिए। जो दुख हमने पानी जांच करने वालों से भोगा है, वही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी दिखाऊंगा कि इस खेत में कहाँ पर पानी है, पत्थर की स्थिति कैसी है, पत्थर सॉफ्ट है कि पत्थर हार्ड है, कि पानी की धार पतली है कि मोटी है, कैसा है। इस खेत में पूरा घूम घूम कर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और अपनी टॉपिक पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन काम भी करते हैं। तो चलिए भाई, यह है नारियल, अपना कच्चा नारियल लेना है। और नारियल बाहर की तरफ जाती है तो जान लेना भाई वो ड्राई है, पत्थर है। तो यहाँ दो ही कदम चले हैं और नारियल बाहर जा रही है, मतलब यहाँ पर पानी नहीं है, बहुत बाहर जा रही है। देखो नारियल को देखते रहो, देखो ठीक। तो यहाँ बहुत कठोर पत्थर है, यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि क्या कंडीशन है, एक थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये नारियल को देखते रहो, आप स्वरूप ये बाहर जा रही है, मतलब यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बोर ड्रिलिंग कराओगे धूल ही उड़ेगा, चाहे आप 1000 फीट तक बोर खोदवा लो, धूल ही उड़ेगा। अब इस खेत में आगे कैसे पोजीशन है उसको देखते हैं। तो चलिए भाई, इसको छोड़ते हैं, इस फ्रंट को, अब आगे चलते हैं। देखो नारियल को भी देखते रहो, ये बाहर जा रही है, मतलब ये सूखा है, फिर गिर रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा है, वही बताया ना, ये पहाड़ होती है तो पहाड़ के ऊपर जो टापू होती है ना, तो ये हम टापू में खड़े हैं मानकर चलो, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या पोजीशन है उसको देखते हैं। ये नारियल बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। देखो यहाँ कुछ नहीं है, एकदम सूखा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पत्थर की स्थिति बहुत हार्ड है और यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, एक बूंद भी नहीं निकलना, सीपेज भी नहीं है। यहाँ सीपेज होती तो हथेली में रहता, नारियल हथेली से बाहर उंगली में जा रहा है, मतलब यहाँ पर सीपेज नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी भी नहीं है। इस खेत में पूरा सूखा है, देख लो ये। और नारियल देखो देखो देखो, नारियल नारियल गिर गई। तो इस खेत में पूरा ड्राई है, पत्थर बहुत कड़ा है। मैंने अपने पिछले टॉपिक में भी कहा है पत्थर पहले जांच करना है, तो हम यहाँ पत्थर भी जांच कर रहे हैं और पानी भी जांच कर रहे हैं। यहाँ पत्थर की सिचुएशन जो है बहुत हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, ना नमी भी नहीं है, ना पानी भी नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ये वैसे बढ़ रहे हैं, ये नारियल गिर ही जा रही है। ऐसी स्थिति बहुत जगह आती है, लेकिन ये वीडियो हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि किसान भाई लोग इस बारीकों को समझ सकें। देखिए एक ही जगह ड्राई है, ऐसा नहीं इस खेत में पूरा ड्राई ही ड्राई है, अब कैसे करें? यहाँ पर किसान को तो पॉइंट दे नहीं सकते भाई। देखिए ये जैसे पैर आगे बढ़ा रहे हैं, ये फिर गिर रही है, तो क्या करें? पूरा ड्राई है, यहाँ पर बोर खनन करने का रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले अच्छा से जांच करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पानी जांच करने के लिए कोई बुला दिया तो वहाँ जाकर हम पॉइंट देकर आ गए और बाद में पता चला वहाँ धूल उड़ गई, किसान बर्बाद हो गया, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। चलिए भाई फिर देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। देखो कितनी ड्राई है, दो कदम भी ठीक से नहीं चल पा रहे हो, नारियल गिर जा रही है। देखो ये जैसे पैर आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखो, तब करे तो करे क्या भाई, ये तो एकदम सूखा है, बहुत ज़्यादा सूखा है
और यहाँ पर जो पत्थर है बहुत ही हार्ड पत्थर है, देखो ये, चलो भाई, बहुत ही हार्ड पत्थर है ये सिचुएशन है। ऐसे में भला कैसे पानी निकलेगा। मुझे छिंदवाड़ा के एक किसान ने फ़ोन किया था कि सॉरी भाई, हमारे खेत में 35 बोर है जो फेल हो गया है। ऐसी सिचुएशन जहां पर आ गई तो वहां 35 नहीं 70 भी बोर करवा लो, पानी नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर पानी नहीं है। और ऐसी ड्राई एरिया उस किसान का था, छिंदवाड़ा वाले का, तो ऐसी स्थिति आ गई तो पानी नहीं मिलेगा। तो मैं यही बात आप लोगों को बता रहा हूँ, पानी कहाँ पर नहीं मिलता है, तो इस ड्राई में नहीं मिलेगा, लेकिन गेप कहीं पर होगी तो वहाँ ढूंढ लेंगे। चलो भाई, देखिए ये दो कदम भी नहीं चल रहे हैं। ऐसे में इस किसान को पॉइंट कहाँ पर दे। देखो नारियल बाहर जा रही है, ये तो हालात है, तो यहाँ पॉइंट है ही नहीं है। देखो फिर चलते हैं, क्या सिचुएशन आती है। ऐसा वीडियो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया, आप लोग अच्छे से देखो भाई। ये देखो ये संभालती ही नहीं है, पानी ही नहीं है। अगर पानी रहती तो ये हाथ से चिपका रहता, अपनी तरफ उठती, लेकिन यहाँ तो नहीं उठ रही है, तो इसका मतलब एकदम ड्राई है। देखो दो कदम भी नहीं चल रहा है ये तो यहाँ पानी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, देखो ये हालात एकदम बदतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो भाई फिर चलते हैं, क्या सिचुएशन आती है देखते हैं। देखो नारियल को भी देखते जाओ, ये ऐसे में भला कैसे पानी दे, कहाँ पर पॉइंट बताए, पॉइंट तो है ही नहीं। देखो मैं नारियल को रखा हूँ अपनी हथेली में, देख लो भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बारीकी से देखो, एकदम स्लो मोशन करके देख लेना, नारियल कैसी ऊपर जा रही है। देखो ये फिर दिखाता हूँ भाई, चलिए देखो, नारियल को मैं सीधा रखा हूँ, आप अपने मोबाइल में जूम करके देख सकते हो या कैमरा में भी जूम करके देख सकते हो, नारियल बाहर जा रही है। देखो ऑटोमेटिक हाथ का पोजीशन कुछ नहीं किया ना, फिर भी नारियल गिर रही है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर पानी ही नहीं है। जहाँ पानी नहीं होती है वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है। तो किसान भाई लोग, इसको आप लोग अपने खेत में एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखो ये कहीं पर पानी नजर आई, पानी है ही नहीं तो कहाँ पर आएगी पानी। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, आ गए हैं पैसे कमाने के लिए, पॉइंट बता देंगे, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कौन बताएगा, पॉइंट है ही नहीं है। चलो फिर चलते हैं भाई आगे, क्या सिचुएशन है देख लो यार, दो कदम भी नहीं चल रही है। ये है ड्राई एरिया की पहचान, हार्ड पत्थर की पहचान यहाँ से होती है। देखो गिर रही है ना। तो भाई आप लोग बोर करवाने की जल्दबाजी मत रहना। देखो ये गिर गई। अपने घर में प्रैक्टिस करके देखना पहले, ये कुछ नहीं है, एकदम सूखा। यही है ड्राई पत्थर की पहचान। अभी तक हमने जितने भी वीडियो में दिखाए तो कुछ क्षेत्र में ड्राई था उसको दिखाया, लेकिन यहाँ पर पत्थर इतनी कठोर है पत्थर कि पूरा में पूरा ड्राई है। देखो दो कदम भी चलना मुश्किल है, हम इस खेत के आखिरी छोर तक भी जाते हैं। चलो ये ड्राई है भाई, देख लो नारियल बाहर जा रही है, ये पूरा ड्राई है। इस खेत में एक बूंद भी पानी नहीं है, कहीं से आवक नहीं है, सीपेज भी नहीं है। देख लो ये पूरी गिर रही है, गिर रही तो करे क्या। ये देख लो भाई, ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ये 0/0 है। देख लो ये, तो भाई ऐसी एरिया में पानी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको आज क्लियर बता दिया कि जहाँ पत्थर कड़ा होती है वहाँ कुछ भी नहीं रहता। ऐसा नहीं कि खेत के किसी एक ही हिस्से में कड़ा पत्थर, ऐसा नहीं, कई खेतों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पूरा में पूरा ड्राई ही ड्राई रहती है।
चाहे एक एकड़ हो, चाहे दो एकड़ हो, तीन एकड़ हो, जहाँ ड्राई है वहाँ बूंद ही नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनों प्रयास कर लो। तो भाई पहले आपको पत्थर जचवा लेना, अगर पानी नहीं है तो बोर खनन करवाओगे तो धूल ही उड़ेगी, बर्बाद ही होगी, कुछ हासिल नहीं आएगा। इसलिए आपको अच्छा से पानी जांच करने वाला बुलाना, और भाई पानी जांच करने वाले अच्छे से पानी जांच करना, और सबके खेत में जाना है। छोटा बड़ा ये मत देखना कि बड़े है तो हमको ज़्यादा दान दक्षिणा देगा, इसके चक्कर में मत रहना। आपको ड्राई एरिया पहले सेलेक्ट करना है, दिन की शुरुआत ड्राई एरिया से करना है। जैसा कि सौरी भाई करता है, ड्राई एरिया में जाना पसंद करता है और ड्राई एरिया से ही अपने काम की शुरुआत करती है। तो भाई हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा नहीं लगा हो तो और भी हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके चैनल को देख लेना, खूब मौज करना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना। आप लोगों को सौरी भाई से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो रात्रि में 8 बजे से 9 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं। बाकी टाइम मैं बिजी रहता हूँ भाई, फैन फोन नहीं उठा पाऊँगा, नाराज़ मत होना। तो भाई हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7007165999। मेरे चैनल का नाम है किसान का बोर, KISANKABORE, ये है स्पेलिंग। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। तो हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सौरी भाई को इजाज़त दीजिए। जय जोहार।